हेलो फ्रेंड, दिस इज अभिषेक। कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने रैम के सारे फीचर्स कमांड प्रॉम्प्ट के हेल्प से कैसे देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास चली जाए। तो चलिए ऐसे के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ सर्च में जाइए, यहाँ पर टाइप करिए CMD, फिर इस पर राइट क्लिक करिए और इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन कर लीजिए। तो आपके सामने ब्लैक कलर की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। आप यहाँ से चाहें तो इसकी साइज बड़ी कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, फिर फंड में जाके यहाँ पे आप इसकी साइज बड़ी करके यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अब जैसे आपको रैम की जो इन्फॉर्मेशन है वो चेक करने के लिए कमांड लिखना पड़ेगा, जो कि मैं आपको बताता हूँ। तो आपको लिखना है WMIC। WMIC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है विंडो मैनेजमेंट इंटरफेस कार्ड। फिर आपको लिखना है मेमोरी चिप स्पेस लिस्ट फुल। उसके बाद आपको इंटरप्रेस कर देना है। तो आपके रैम के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए आइए इधर हम कुछ टर्म के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे बैंक लेवल है, तो बैंक लेवल बेसिकली होते हैं स्लॉट्स। तो जो मेरा है वो 0 है, मतलब मेरे में सिर्फ एक ही स्लॉट है। फिर ये कैपेसिटी है, तो ये बाइट में दिया है। तो रैम की कैपेसिटी का मतलब वही कि आपका जो रैम है वो कितने GB का है। तो ये बाइट में है, जब आप इसको GB में कन्वर्ट करेंगे तो ये लगभग 8 GB रैम कुछ आएगा। फिर ये डेटा विथ है कि मतलब कितने विथ पे आपका जो सिस्टम है वो काम करता है। तो 8 to 64 होता है ये, मेरा जो है वो 64 बिट का है। डिस्क्रिप्शन जो है वो फिजिकल मेमोरी है। डिवाइस लोकेशन बॉटम स्लॉट लेफ्ट साइड में है। फिर ये जो फॉर्म फैक्टर है ये होता है पिन। फिर मैन्युफैक्चरर यहाँ पे दिया है, डाटा टेक्नोलॉजी और भी कई सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि आप देख सकते हैं। और अगर आप कभी अपना रैम परचेस करना है तो आप इन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आप रैम को परचेस कर सकते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।